नमस्कार, मैं हूं कांता। राजस्थानी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुल्हड़ मैगी। आज तक आपने कुल्हड़ में चाय पी है, कुल्हड़ में लस्सी पी है, कुल्हड़ पिज्जा खाया होगा, लेकिन इस तरह मैगी आपने कभी नहीं खाई होगी। तो एक बार इस तरह से जरूर मैगी बनाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थानी रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तंदूरी मैगी बनाने के लिए हमने यहाँ एक पैकेट मैगी लिया है। मैगी बनाने के लिए तेल, हमने यहाँ बारीक कटी हुई सब्जियाँ ली है, शिमला मिर्ची, टमाटर, हरी मिर्ची, मटर, गाजर और प्याज, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भून के पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच बेसन। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब तेल डालकर तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। गरम तेल में हम सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों को हमें ज्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा रोस्ट ही करना है। सब्जियों को हमने हल्का रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और जीरा, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें बेसन डालकर बेसन को अच्छा सेक लेंगे। सब्जियां रोस्ट हो चुकी है, बेसन भी सेक चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें ज्यादा क्वांटिटी में ही डालना है। अगर आप 1 कप पानी डालते हैं तो आपको उसकी जगह है तंदूरी मैगी में 3 कप पानी डालना है। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तंदूरी मैगी बनाने के लिए हमें मैगी थोड़ी बारीक चाहिए, लंबी लंबी नहीं चाहिए, तो हमारा पानी उबलता है तब तक हम इस तरह से मैगी को तोड़ के तैयार कर लेंगे। देखिए पानी में कितने अच्छे उबाल आ रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मसाला, मैगी मसाला, और इस मसाले को कर देंगे मिक्स। अब इसमें डालेंगे हम मैगी। मैगी को हम सॉफ्ट होने तक उबाल लेंगे। देखिए मैगी पक चुकी है, हमारी मैगी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब एक गैस पे हम कोयला गर्म करेंगे और दूसरी गैस पे हम कुल्हड़ को गर्म करेंगे। कुल्हड़ को हमें हाई फ्लेम पे लगातार 5 से 7 मिनट तक गर्म करना है। इस तरह घुमाते हुए से हम गर्म करेंगे। देख रहे हैं तंदूरी मैगी के लिए उधर हमारा कोयला गर्म हो रहा है, इधर हमारा कुल्हड़ गर्म हो रहा है। तो देखिए गर्म कुल्हड़ को हम कोई स्टील की प्लेट के ऊपर रख देंगे और इसके अंदर हम कोयला डालेंगे और इसको ढक्कन लगा के कोयला अच्छे से कुल्हड़ में कोऑपरेट हो जाए उतनी देर इसको हम छोड़ देंगे। अब हम कोयले को बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें हम मैगी डालेंगे। पहले इसमें हम मैगी डालेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। देखिए हमारी तंदूरी मैगी बनकर तैयार है। तो देखिए इस तरह हमारी तंदूरी मैगी बनकर तैयार है। इसको आप कुल्हड़ मैगी भी कह सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है और इस तरह से बनाएंगे तो बड़े भी शौक से खाएंगे। तो इस तरह तंदूरी मैगी आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, आप खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए।